good morning children welcome to computer science online class computers everywhere yes nowadays you can see computer is used everywhere it plays a very important role in our day to day life yes so let's come with me i will show you Many places where computers are used. Let's go. In homes. Yes, we use, we can find computers in our homes. What, we, what can we do at our home, them? We can listen to music, watch movies and play games. We can search information on any topic. We can make projects here. We can type stories and draw pictures also. So, these works are done at home on computers. We can find them in schools also. Teachers can use computers for making test papers and report cards. Even teachers use it to teach students. We keep records of books in libraries, in computers, and we use it to. Prepare timetables. Even all the circulars and schedules for teachers are made using computers. School mein bhi itne sare kaam hai, Hospitals, yes. We can find computers in hospitals also. What do we do? Uh, you, you, how do we use them in hospitals? Can you tell me? Yes.

से क्या बीमारी थी उसे कौन सी मेडिसिन दी गई कौन से डॉक्टर से ट्रीटमेंट हुआ ईच एंड एवरी थिंग इज टोर्ड देयर ओके कंप्यूटर्स आर यूज बाय डॉक्टर टू परफॉर्म ऑपरेशंस यस आजकल ऑपरेशंस के लिए भी कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है नेक्स्ट इन बैंक्स आप में से कोई अपने पेरेंट्स के साथ बैंक गया है कभी हम्मके तो बैंक में कंप्यूटर्स का क्या यूज़ होता है कैश डिपॉजिट रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर्स है ना कैलकुलेशंस करने के लिए इवन जो एटीएम टी जहाँ डेबिट कार्ड डाल के सॉरी डेबिट कार्ड डाल के मनी निकालते हैं मनी जहाँ मन जो वो है मनी स्टोर करने के लिए उसमें डालने के लिए मशीन होती है आपकी पासबुक प्रिंटिंग मशीन होती है दिज आर ऑल कंप्यूटर्स सब कंप्यूटर्स हैं बैंक में जिनसे हमारे काम बहुत इजी हो जाते हैं इन ऑफिस यस, इन ऑफिस दे आर यूज टू टाइप डॉक्यूमेंट्स इन लेटर्स दे आर यूज़ टू डू कैलकुलेशंस

देखवा वहाँ वा, पर क्या काम होते हैं इनसे दे आर यूज टू कीप अ लिस्ट ऑफ आइटम्स एंड देयर प्राइजेस उनके आइटम्स कौन कौन सी हैं बार कोड रीडर से वो रीड करते हैं ना एक डिवाइस से उससे रीड करते हैं कि भाई कितने अमाउंट का है और फिर फीड करते रहते हैं और बिल प्रिंट होके आ जाता है है ना कैलकुलेट एंड मेक बिल्स ये सब होता है ना ये इस इस मशीन को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल ठीक है पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं और इसी मशीन से सारा काम होता है have you been to railway station or airports there we use computers for booking tickets yes tickets are booked using computers even you can use it to inform, get informed about arrival and departure times of trains and flights किस टाइम ट्रेन या फ्लाइट आनी है या जानी है ये भी आपको वहीं पर एक कंप्यूटर होता है जहाँ से पता लग जाता है कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल पैसेंजर्स और सारे पैसेंजर्स का रिकॉर्ड रहता है जब आप टिकट बुक करवाते हैं ना तो सेव हो जाता है उसमें कि कौन से पैसेंजर की टिकट बुक हुई है उसकी एज क्या है उसने कब और कहाँ जाना है उसको कौन सी ट्रेन में कौन सी सीट कौन सी बर्थ कौन सी कोच अलॉट हुई है सारी इंफॉर्मेशन उसमें रहती है ओके तो ये सारी एप्लीकेशन्स हमने देखी कि हम कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं वी कैन फाइंड कंप्यूटर एवरीवेयर जब लॉकडाउन ओपन होगा ना उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं ऐसी जगह जाना जहाँ कंप्यूटर यूज़ हो रहा हो और इवन स्कूल में आओगे तो आई विल शो यू कंप्यूटर इन आवर कंप्यूटर लैब ओके और ऑफिशियल वर्क भी मैं जिस लैपटॉप पे करती हूँ वो भी आपको दिखाऊंगी तो आप लोग अब इस चीज़ को एक बार फिर से ध्यान से देखिए एंड एन्जॉय योर सेल्फ तो टेक केयर सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन गुड बाय